बात करने वाले हैं नेगेटिव लिस्ट अंडर जीएसटी के बारे में। नेगेटिव लिस्ट अंडर जीएसटी का मतलब ये है कि जीएसटी की लाइबिलिटी अराइज नहीं होती है, सप्लाई नहीं माना जाता है। तो क्या क्या चीजें सप्लाई नहीं मानी गई हैं जिस कारण जीएसटी की लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी, हम देखेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और आपकी अगर कोई भी क्वेरी आ रही है तो कमेंट कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक में चाहिए वो जरूर बताइए, मैं पूरी ट्राई करूंगी बनाने की। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जीएसटी की लाइबिलिटी कब अराइज होती है, जीएसटी कब लगता है। तो सबसे पहले गुड्स एंड सर्विसेज होनी चाहिए, सप्लाई होनी चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज की, टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए और टैक्सेबल पर्सन के थ्रू होनी चाहिए। अगर ये चारों चीजें प्रेजेंट है तब जीएसटी की लाइबिलिटी आएगी। सपोज कीजिए गुड्स एंड सर्विसेज है लेकिन सप्लाई नहीं है, तब जीएसटी की लाइबिलिटी नहीं आएगी। गुड्स एंड सर्विसेज है, सप्लाई है लेकिन टैक्सेबल सप्लाई नहीं है, तो जीएसटी की लाइबिलिटी नहीं आएगी। एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, जैसे मेरा एक वेजिटेबल का शॉप है, मैं वेजिटेबल सेल करती हूँ, तो वेजिटेबल तो गुड्स में, गुड्स के डेफिनेशन में आता है, और सेल कर रही हूँ तो सप्लाई भी माना जाएगा, लेकिन ये टैक्सेबल सप्लाई नहीं है, तो इस कारण जीएसटी की लायबिलिटी नहीं आएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरा इलेक्ट्रॉनिक का काम है, मैं इलेक्ट्रॉनिक बेचती हूँ, तो गुड्स तो है इलेक्ट्रॉनिक, सप्लाई भी हो रहा है क्योंकि मैं सेल कर रही हूँ, और टैक्सेबल भी होता है जीएसटी में इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन मेरा जो है टर्नओवर लिमिट सर्टेन लिमिट से कम है, इस कारण मैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के बाध्य नहीं हूं, इस कारण मैं टैक्सेबल पर्सन जो है वो मैं मानी नहीं जाऊंगी, तो जीएसटी की लायबिलिटी मेरे ऊपर नहीं आएगी। तो ये चीजें हमने समझ ली कि मैम जीएसटी की लायबिलिटी कब आती है, चारों चीजें हमें देखनी है। अब हम बात करते हैं आखिरकार ये सप्लाई क्या होता है। सप्लाई के डेफिनेशन में खाली सेल नहीं है, सेल है, ट्रांसफर है, बार्टर है, एक्सचेंज है, रेंट, लीज, लाइसेंस है, लेकिन कंसिडरेशन होनी चाहिए और कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। ये सारी चीजें जब होगी तभी माना जाएगा कि सप्लाई हो रही है। कंसिडरेशन होना चाहिए और कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। अब हम बात करते हैं स्केड्यूल 3 के बारे में, जो बताता है कि नाइदर अ सप्लाई ऑफ गुड्स नोर अ सप्लाई ऑफ सर्विस माना गया। मतलब कि सप्लाई नहीं माना गया, आपका कंसिडरेशन है, कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, फिर भी सप्लाई नहीं माना गया। तो मैम अगर सप्लाई माना ही नहीं गया है तो जीएसटी की लाइबिलिटी तो आएगी नहीं। ऑब्वियसली अगर सप्लाई माना ही नहीं जाएगा तो जीएसटी की लाइबिलिटी कैसे आएगी, नहीं आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी से। मैंने एक स्टोरी फॉर्म किया ताकि आपको आसानी से याद हो, और जब भी आप ये ट्रांजैक्शन अपने ऑफिस में देखे तो आपको याद है कि यार इसमें तो जीएसटी लगेगी नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जांपल लिया है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के ओनर कौन है, चेथालाल। तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपने एम्प्लॉय को, बागा को सैलरी दिया, तो इस पे जीएसटी की लाइबिलिटी नहीं आती है क्योंकि ये सप्लाई माना ही नहीं गया। अब गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के पास बिल्डिंग था, उसने बेच दिया, सेल कर दिया अपने लैंड एंड बिल्डिंग को, तो उस केस में जीएसटी की लाइबिलिटी नहीं आएगी। अब देखिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कर रहा है तो हो सकता है कुछ डिफेक्टिव प्रोडक्ट जो है उसने गलती से अपने किसी कंज्यूमर को बेच दिया, जिस कारण कंज्यूमर ने कोर्ट का रास्ता अपनाया और कंज्यूमर कोर्ट में गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का कंप्लेन कर दिया। तो कोर्ट सर्विस, जो भी कोर्ट, चाहे वो कंज्यूमर हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, जो वो सर्विसेज दे रहा है उस पे जीएसटी की लाइबिलिटी नहीं आती है। अब गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपने, जो जेठालाल है उसने अपने साले सुंदर को बोला कि तू तो चाइना में बैठा है, मेरा एक क्लाइंट है यूएस में, तो तुम चाइना से माल जो है वो यूएस से डिलीवर कर दो, मर्चेंट ट्रेडिंग कर दो, मतलब इंडिया में माल आई नहीं, आप डायरेक्टली चाइना से जो है यूएसए में भेज दो, तो वो मर्चेंट ट्रेडिंग होता है। मर्चेंट ट्रेडिंग पे जीएसटी की लायबिलिटी जो है वो नहीं आती है। अब जो है डॉक्टर हाथी का,
डॉक्टर हाथी की डेथ हो गई तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू सारी उनकी फ्यूनरल और क्रिमेटोरियम एक्टिविटीज जो है वो अरेंज कराई गई, जो भी उनके अंतिम संस्कार की विधि है। अब देखिए गवर्नमेंट भी ना सोचती है यार अंतिम संस्कार हो रहा है, बेचारा अपना धरती छोड़ के जा रहा है, तो उसपे क्या मैं जीएसटी की लाइबिलिटी लगा दू? नहीं, तो उसपे जीएसटी की लाइबिलिटी नहीं आती है, फ्यूनरल ब्यूरल और क्रिमेटोरियम में नहीं आती, जलाना गड़ाना ये सारी विधियां जो है, जो अंतिम संस्कार की विधियां है उसपे जीएसटी की लाइबिलिटी नहीं आएगी। अब जो है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने तारक मेहता को लोन दिया, अनसिक्योर्ड डेट दिया, तो ये एक तरह का एक्शनेबल क्लेम है। मैं समझाऊंगी एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, इस पे भी जीएसटी की लाइबिलिटी नहीं आती है, एक्सेप्शन है थोड़ा। अब गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने क्या किया, सामान मंगाया, कहां से? यूएसए से सामान मंगाया। अब यूएसए में शिप में था ही, और उस शिप में किसी और के नाम पे वो जो कुछ सामान है उसको ट्रांसफर कर दिया, मतलब किसी अपने बायर के नाम पे उसने ट्रांसफर कर दिया कुछ सामान जब वो शिप में था, मतलब हाई सी में था, तभी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने ट्रांसफर कर दिया। तो इस केस में जीएसटी की लाइबिलिटी नहीं आती है, ये सप्लाई नहीं माना गया। अब गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने क्या किया, कुछ सामान को वेयर हाउस में डलवा दिया, कस्टम के वेयर हाउस में डलवा दिया, और उसी उसी टाइम उसी दौरान किसी और बायर को वो सामान ट्रांसफर कर दिया। तब जब बायर को कोई सामान ट्रांसफर कर रहा है वेयर हाउस में, कस्टम के वेयर हाउस में, तब जीएसटी की लाइबिलिटी नहीं आती है। अब ये सारी चीजें में जीएसटी की लाइबिलिटी नहीं आएगी क्योंकि ये सप्लाई माना ही नहीं गया। अब हम एक एक चीजों को डिटेल में पढ़ते हैं और समझते हैं कि किन किन चीजों में जीएसटी की लाइबिलिटी नहीं आती है। सबसे पहले बात करते हैं सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। मतलब अगर कोई भी सर्विसेज एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को देता है इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट, तब सप्लाई नहीं माना गया। जैसे जेठालाल ने अपने एम्प्लॉय बागा को सैलरी दिया 10,000 का, अब अगर सपोज कीजिए सैलरी की जगह जेठालाल गिफ्ट देता है तो उस केस में जीएसटी का क्या इम्प्लीकेशन होगा? तो गिफ्ट अप टू अ वैल्यू ऑफ 50,000 इन अ ईयर आर आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी, मतलब 50,000 तक एक साल में आप गिफ्ट दे सकते हो अपने एम्प्लॉय को, लेकिन 50,000 से ज्यादा आप जैसे गिफ्ट दोगे वैसे ही वो जीएसटी की लाइबिलिटी में आ जाएगा, वो सप्लाई माना जाएगा। सर्विसेज बाय अ कोर्ट ट्राइब्यूनल एस्टैब्लिश अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, तो कोर्ट एंड ट्राइब्यूनल जो भी सर्विस दे रहा है, जैसे जीएसटी का ट्राइब्यूनल हो गया, इनकम टैक्स का ट्राइब्यूनल हो गया, वो कोई भी सर्विसेज दे रहे हैं तो उस पे जीएसटी की लाइबिलिटी नहीं आती क्योंकि वो सप्लाई नहीं माना गया है एज पर शेड्यूल 3। वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक वॉज डिफेक्टिव, कंज्यूमर वेंट टू कंज्यूमर कोर्ट फॉर द सेम, तो उस केस में जो कोर्ट की सर्विसेज आप ले रहे हो उस पे जीएसटी की लाइबिलिटी नहीं आएगी। फंक्शन परफॉर्म बाय मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर्स ऑफ पंचायत, मेंबर्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटी एंड मेंबर ऑफ अदर लोकल अथॉरिटीज, तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो एमपी है एमएलए है जो सर्विस देते हैं तो उस केस में जीएसटी नहीं लगती। ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन हु होल्ड्स एनी पोस्ट इन पर्सुएंस ऑफ प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन दैट कैपेसिटी, अब कॉन्स्टिट्यूशन के कारण कोई पोस्ट होल्ड कर रहे हो जैसे एज अ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर, तो जो ये पोस्ट आप होल्ड कर रहे हो जो आप सर्विस दे रहे हो बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपका ये सर्विस सप्लाई नहीं माना गया है। ड्यूटीज परफॉर्म बाई एनी पर्सन एज अ चेयरमैन मेंबर डायरेक्टर इन अ बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी एंड हु इज नॉट डीम्ड एज एम्प्लॉय बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस क्लॉज, तो चेयरमैन की तरह मेंबर की तरह या डायरेक्टर की तरह कोई भी रोल परफॉर्म कर रहे हो, जैसे सेबी का चेयरमैन आरबीआई का कोई मेंबर जो सर्विसेज दे रहा है उस पर जीएसटी की लाइबिलिटी नहीं आती है क्योंकि वो सप्लाई नहीं माना गया है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे की सर्विसेज को हम देखते हैं। सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल ब्यूरियल क्रिमेटोरियम और मॉर्चरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज, अब हो सकता है किसी का डेथ हो गया,
तो उसका अंतिम संस्कार के टाइम तो यार जीएसटी की लाइबिलिटी मत लगाओ, इतना तो रहम करो। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला ये स्केड्यूल 3 में कवर कर लेते हैं, जो जलाने का, गड़ाने का, क्रियाकर्म करने का जो भी प्रक्रिया है उस पे जीएसटी नहीं लगाएंगे। सेल ऑफ बिल्डिंग एंड लैंड सब्जेक्ट टू पैरा 5B ऑफ स्केड्यूल 2, सेल ऑफ बिल्डिंग, तो सेल ऑफ बिल्डिंग और लैंड में जीएसटी नहीं लगता। लेकिन अगर कोई अंडर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी का सेल है, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस कोई प्रॉपर्टी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, तो उस केस में जीएसटी की लाइबिलिटी आती है। जेठालाल सोल्ड गड़ा इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस बिल्डिंग, एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग। एक्शनेबल क्लेम अगर आप वर्ड से ही सोचो तो एक्शनेबल क्लेम का मतलब जिसके अगेंस्ट हम एक्शन ले सकते हैं। जैसे मैंने किसी को लोन दिया, अनसिक्योर लोन है, मतलब विदाउट सिक्योरिटी किसी को लोन दिया, अब उसने मेरा पैसा नहीं दिया वापस, तो मैं कोर्ट में जा सकती हूँ, उसके खिलाफ मैं एक्शन ले सकती हूँ, तो दैट इज माय एक्शनेबल क्लेम। तो एक्शनेबल क्लेम में जीएसटी की लाइबिलिटी आती नहीं है क्योंकि सप्लाई माना ही नहीं जाता है। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग को कैसे छोड़ दूं? लॉटरी बेटिंग और गैम्बलिंग में जीएसटी की लाइबिलिटी आती है, वो सप्लाई माना गया है। अब गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में अनसिक्योर्ड लोन दिया मेहता जी को, इसमें जीएसटी की लाइबिलिटी नहीं आएगी। अब बात करते हैं आउट एंड आउट सप्लाई, हमने मर्चेंट ट्रेडिंग के बारे में बात किया। अब मर्चेंट ट्रेडिंग क्या है इसको हम डिटेल में समझते हैं कि है क्या ये। सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर प्लेस इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट सच गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया। जैसे जेठालाल ने अपने साले सुंदर को बोला तो चाइना से यूएसए में डायरेक्टली माल पहुंचा दे, अब इंडिया में तो सामान आ ही नहीं रहा, डायरेक्टली चाइना से यूएसए में जा रहा, तो ये क्या है? आउट एंड आउट सप्लाई है, इसमें जीएसटी की लाइबिलिटी नहीं आती है बिकॉज सप्लाई माना ही नहीं गया है। मर्चेंट ट्रेडिंग का मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, चाइना नॉन टैक्सेबल है, और टू अनादर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी जैसे यूएसए, वो भी तो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, अब इंडिया में सामान नहीं आ रहा है, इस कारण जीएसटी की लाइबिलिटी नहीं आएगी। पहले आप इंपोर्ट समझ लीजिए, इंपोर्ट क्या होता है? इंपोर्ट मतलब कुछ लाना इंडिया में, ठीक है। अब इंडिया में सामान आ ही नहीं रहा है तो आप कैसे जीएसटी की लाइबिलिटी लगा दोगे, कैसे सप्लाई मान लोगे, ठीक है। जेठालाल परचेज मोबाइल फ्रॉम चाइना एंड सोल्ड इट टू जॉर्ज इन यूएसए विदाउट ब्रिंगिंग द गुड्स इन इंडिया, दिस ट्रांजैक्शन इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज बिकॉज इंडिया में आ ही नहीं रहा, जब तक इंडिया में नहीं आएगा तब तक माना ही नहीं जाएगा। सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, अब ये क्या मतलब है कि आपने वेयर हाउस गुड किसी को दे दिया, सप्लाई कर दिया विदाउट क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, ए ने इम्पोर्ट किया कुछ गुड्स और उसको कस्टम बाउंडेड वेयर हाउस में रख दिया इन ऑर्डर टू डेफर बेसिक कस्टम ड्यूटी एंड आईजीएसटी। देखिए जब भी आप इम्पोर्ट करते हो और कस्टम से क्लियर कराते हो होम कंजम्पशन के लिए, होम कंजम्पशन मतलब इंडिया में कंज्यूम करने के लिए, तो आपको आईजीएसटी पे करना पड़ता है क्योंकि इम्पोर्ट को माना गया है इंटरस्टेट सप्लाई, आईजीएसटी पेमेंट करना पड़ता है और बेसिक कस्टम ड्यूटी भी आपको पेमेंट करना पड़ता है। अब कभी कभी क्या करते हैं इंपोर्टर, क्या करते हैं अगर उनको ड्यूटी नहीं पेमेंट करना हो कुछ समय के लिए तो वो लोग वेयरहाउस कर देते हैं गुड्स, कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस पे वो रख लेते हैं सामान, ठीक है। तो ए इंपोर्ट करता है कुछ गुड्स और उसको कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में रख देता है ताकि वो डेफर कर सके, मतलब बाद में दे सके इम्पोर्ट ड्यूटी और आईजीएसटी को। गुड्स कितने वैल्यू का है? 100 रुपया, बेसिक कस्टम ड्यूटी 10 रुपया और आईजीएसटी 13.20। अब ए क्या कर देता है, सेल कर देता है बी को, जैसे ही बॉन्डेड वेयरहाउस में रखता है, कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में उसने रखा, वैसे ही बी के नाम पे ट्रांसफर कर देता है गुड्स को। अब बी जब क्लियर करता है तब उसको पे करना पड़ता है, जो क्लियर कराएगा उसको ड्यूटी पे करना पड़ेगा। लेकिन बात ये है ए ने जब बी को ट्रांसफर किया वेयर हाउस में गुड्स, तब क्या जीएसटी की लाइबिलिटी आएगी, क्या ये सप्लाई माना जाएगा? तो ए और बी के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ वेयर हाउस के टाइम, तो उसमें जीएसटी की लाइबिलिटी नहीं आती क्योंकि वो सप्लाई माना ही नहीं गया। अब जब बी क्लियर कराएगा तब वो कस्टम ड्यूटी भी पे करेगा और आईजीएसटी भी पे करेगा।
ठीक है, आईजीएसटी कितने रुपए पे करेगा, जो 300 रुपए में ट्रांसफर किया था ए ने बी को, उस पे वो आईजीएसटी पे करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि ट्रांसफर हो जा रहा है टाइटल, टाइटल ट्रांसफर हो जा रहा है बॉन्डेड वेयर हाउस में, वेयर हाउस में सामान पड़ा हुआ है और उसका टाइटल किसी और को ट्रांसफर हो गया, तो इस टाइटल ट्रांसफर को जीएसटी की लाइबिलिटी में नहीं आएगा। जब सामने वाला जिसको ट्रांसफर हुआ है टाइटल गुड्स निकालेगा, तब जीएसटी की लाइबिलिटी अराइज होगी। अब बात करते हैं हाई सी सेल। हमने वेयर हाउस सेल के बारे में बात कर लिया, हाई सी सेल क्या है अच्छे से इसको समझते हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द कंसाइनी टू एनी अदर पर्सन बाय एंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल आफ्टर द गुड्स हैज बीन डिस्पैच्ड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ ऑरिजिन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया बट बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। अब क्या होता है, अब देखिए यूएसए से सामान आ रहा है, वो शिप में ही है और शिप में मैंने किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर दिया। जैसे जेठालाल ने इम्पोर्ट किया यूएसए से और गुड्स हाई सी में मतलब वो शिप में है। ठीक है, अब अभी तक टेरिटोरियल वाटर इंडिया का क्रॉस नहीं किया है और जेठालाल ने किसको दे दिया, रमेश को दे दिया बाय इंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, मतलब उसके नाम पे जो है सामान चढ़ा दिया। दिस ट्रांजेक्शन इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। जब शिप में ही आपने जो ट्रांसफर कर दिया वो सामान का जो भी टाइटल है, तो वो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस माना गया, उसमें जीएसटी की लाइबिलिटी नहीं आएगी। हाई सी सेल इज अ कॉमन प्रैक्टिस विदाउट फोर कॉर्नर ऑफ लॉ वेयर बाय ओरिजिनल इम्पोर्टर ऑफ गुड्स सेल द सब्जेक्ट गुड्स टू अ थर्ड पर्सन, मतलब थर्ड पर्सन को आपने बेच दिया बिफोर कस्टम क्लियरेंस। जैसे पोर्ट ऑफ ऑरिजिन यूएसए है, ये शिप में ही है, कस्टम क्लियरेंस से पहले ही आपने किसी और को बेच दिया, तो वो हो गया हाई सी सेल। तो आपको समझ में आया होगा कि नेगेटिव लिस्ट क्या है। नेगेटिव लिस्ट मतलब जीएसटी की लाइबिलिटी नहीं आएगी क्योंकि सप्लाई माना ही नहीं गया। तो एक बार हम रिकॉल करते हैं कि ये है क्या। तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने बागा को सैलरी दिया, लैंड एंड बिल्डिंग सेल किया, उसके ऊपर किसी ने कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन कर दिया तो कोर्ट सर्विसेज लिया, मर्चेंट ट्रेडिंग हुआ, सुंदर को बोला चाइना से आप यूएसए माल भिजवा दो, मतलब विदाउट एंटरिंग इनटू इंडिया, फ्यूनरल ब्यूरो क्रिमेटोरियम का सर्विसेज, तारक मेहता को अनसिक्योर्ड डेब्ट दिया मतलब लोन दिया, हाई सी सेल मतलब जब शिप में है गुड्स तभी उसका जो नाम है वो ट्रांसफर कर दिया किसी और को, वेयर हाउस सेल वेयर हाउस में गुड्स को डाल दिया और उसमें उसका जो टाइटल है वो किसी और को ट्रांसफर कर दिया, तो ये सारी चीज में जीएसटी की लाइबिलिटी नहीं आती है। जीएसटी की लाइबिलिटी क्यों नहीं आती है, क्योंकि सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं माना गया। थैंक यू सो मच गाइज, होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट कीजिए और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए जरूर लिखिए। थैंक यू सो मच।